So hello everyone and welcome back to another video, and in this video we are going to talk about the newly released film Yudhra starring Siddhant Chaturvedi, Malavika Mohan and Raghav Jugal and directed by Ravi Odevar. Film ka story and screenplay likha hai Sridhar Raghavan ne. Aur sabse pehle baat story and screenplay ki hi kar lete hain. Kahani hai is film ki Yudhra ke bare mein, jiske mata pita bachpan mein hi chal base. Bachpan se hi ulti khopdi ka hai, jis umar mein usko khilonon se khelna chahiye, wo chipkaliyon ke sath khelta hai aur khatron se khelne ka to itna shauk hai mano ki ye Mountain Dew ka nasha karta hai. अब ये बड़ा होता है पर खतरों से खेलने का इसका ये शौक अभी गया नहीं है. इसको ट्रेनिंग दी जाती है और एक मिशन पर भेजा जाता है एक ड्रग माफिया को पकड़वाने के लिए, एंड उसके ऊपर ही ये एक पूरी बेसिक कहानी है. तो ये जो उसकी स्टोरी है ये बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है. इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में ऑलरेडी बन चुकी है एंड बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में बनी है, लेकिन ये जो स्टोरी है ये उतनी ज़्यादा अच्छी बनी नहीं है क्योंकि इसका स्क्रीन प्ले उतना अच्छा नहीं है. अनफॉर्चुनेटली श्रीधर राघवन जो कि इसकी स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले राइटर है, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं होती है बिकॉज वो अच्छी फिल्में बनाते हैं यूजुअली, बट इसका जो स्क्रीन प्ले है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है. कहीं पे भी कुछ भी लिंक कर दिया गया है, कोई सिर पैर नहीं है. हर एक जो भी इसके प्लॉट में ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो ऑडियंस ऑलरेडी गेस कर लेती है पहले से ही, जिसके वजह से वो जो सस्पेंस वाली वाइब है वो इससे नहीं आती है. सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इमोशन. आप फिल्म के साथ इमोशनली कनेक्ट होते ही नहीं हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी फिल्म के लिए. एंड जब आप ऐसी फिल्म की बात करते हैं जहाँ पे एक्शन है, तो सिर्फ एक्शन डाल देने से ही फिल्म अच्छी नहीं बन जाती है. जब तक फिल्म का इमोशनल वर्क नहीं करेगा तब तक वो फिल्म उतनी अच्छी नहीं बनती है. किसी महान आदमी ने कहा था एक्शन विदाउट इमोशन इज़ वेस्ट, एंड इस फिल्म में भी हमको यही देखने को मिलता है. क्योंकि फिल्म का एक्शन तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो एक्शन सेट पीसेज है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं जेन्युइनली, एंड जिनको सिर्फ एक्शन देखना पसंद है उनको शायद ये फिल्म पसंद भी आ जाए क्योंकि एक्शन इस फिल्म का बहुत ही अच्छा है. बट जो जनरल ऑडियंस है उनको शायद ये फिल्म पसंद नहीं आएगी बिकॉज अब जब तक इमोशनली इस फिल्म के साथ कनेक्ट नहीं करोगे वो एक्शन भी कुछ खास फील नहीं देगा आपको. तो सिर्फ एक्शन के हिसाब से तो फिल्म अच्छी है बट ओवरऑल ये फिल्म उतनी ज़्यादा अच्छी बनी नहीं है बिकॉज इस फिल्म का स्टोरी स्क्रीन पे बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है एंड कोई अच्छे डायलॉग्स भी नहीं है. बिकॉज इस टाइप की बड़ी एक्शन फिल्मों में अच्छे डायलॉग्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बट अनफॉर्चुनेटली फिल्म में कोई अच्छे डायलॉग्स है ही नहीं जो ऑडियंस को याद रह जाए. रही बात बैकग्राउंड स्कोर एंड म्यूजिक की, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा बिलो एवरेज है. फिल्म में कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, या इनफैक्ट फिल्म के अंदर भी कोई भी गाना ऐसा नहीं है जो थिएटर के अंदर सुनने में मज़ा आए. इनफैक्ट गाने जितने भी है वो बीच बीच में आकर के फिल्म को और भी ज़्यादा बोरिंग कर रहे थे. एंड जो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर है वो भी बहुत ही ज़्यादा बिलो एवरेज है. कहीं पे भी वो एक फील नहीं देता जो ऐसी एक्शन फिल्म में इंपॉर्टेंट होता है. तो ना तो फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है ना ही फिल्म के गाने अच्छे हैं. एंड रही बात सिद्धांत की परफॉर्मेंस की, तो वो भी एवरेज सी है. एक्शन वाले सीन्स में वो अच्छा करता है बिकॉज एक्शन कोरियोग्राफी अच्छी है, बट ओवरऑल डिसेंट परफॉर्मेंस मुझे लगी सिद्धांत की. मालविका मोहनन की भी परफॉर्मेंस डिसेंट सी ही है. बाकी राम कपूर भी है फिल्म में एंड उनका परफॉर्मेंस वैसा ही है जैसा कि हर फिल्म में होता है. बाकी राघव जुगाड़ की परफॉर्मेंस अच्छी है एंड गजराज जाओ उनकी भी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी एंड इंप्रेसिव लगी मुझको. सिनेमाटोग्राफी इस फिल्म की है जय पिनाक ओझा ने, जो कि बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है. जैसी होनी चाहिए वैसी ही है, कम्प्लीटली डिसेंट है. बट जो डायरेक्शन है फिल्म का वो मुझे उतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा. फिल्म और भी अच्छे और बेटर वे में डायरेक्ट हो सकती थी. फिल्म में बहुत ज़्यादा कमियां हैं, बहुत ही ज़्यादा लूपहोल्स है, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं. सो एट दी एंड आई एम गोना से कि युद्रा एक बहुत ही एवरेज सी फिल्म बनी है. हालांकि जिनको एक्शन देखना पसंद है उनको ये फिल्म शायद अच्छी लग सकती है बिकॉज फिल्म के एक्शन वाकई में अच्छे हैं, एंड अगर आपको एक्शन देखना है तो शायद आपको युद्रा पसंद आ सकती है. बट ओवरऑल ये फिल्म उतनी ज़्यादा अच्छी बनी नहीं है. एंड आई एम गोना गिव दिस फिल्म 2 out of 5 stars. अगर आप लोगों को ये रिव्यू पसंद आया होगा, आप लोग मेरे ओपिनियन से अग्री करते हो या नहीं करते हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना. ऐसी और भी वीडियोस पड़ी हुई चैनल पर जाकर के देखो, पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर.